प्रॉब्लम जिसमें रस्सी का भी मास होने लगे, सबसे सिंपलेस्ट केस लेते हैं, ये 2 केजी का है और उससे एक 3 केजी का ऐसे अटैच है ब्लॉक एक रस्सी के हेल्प से, और ये रस्सी का खुद का भी इसका कुछ हो जा रहा है, इस रस्सी का खुद का भी कुछ मास लेना पड़ेगा ऐसे। ये रस्सी मासिव रोप है, कितना मास है इसका, 1 किलोग्राम मान लेते हैं या 2 किलोग्राम चलिए मान लेते हैं। इन दोनों के बीच जो रोप कनेक्टेड है ना, इसका भी मास है, ठीक। और इस पर कोई ईश्वर पकड़ के खींच रहा है इस रस्सी को, इधर से कोई खींच के ले जा रहा है इधर, 14 न्यूटन 14 न्यूटन से कोई पुल कर रहा है, खींच रहा है रस्सी, ठीक है। अब आपसे पूछ सकता है इसमें कि आप बताइए कि ये सब पॉइंट पे टेंशन बताइए, ये ए पॉइंट पे कितना होगा, एकदम बीच वाला जो पॉइंट है बी वहाँ कितना होगा, एकदम यहाँ है सी कितना होगा। इस केस में अगर रस्सी का मास है ना, तो उस केस में पूरे रस्सी पे टेंशन सेम नहीं होता है। मासलेस रस्सी अगर है तब एक रस्सी पे टेंशन समान होगा। तो अभी जैसे पुराने क्वेश्चन को सॉल्व करते थे कि पूरे को एक सिस्टम हम ले लेते थे, उसी तरह से ये सॉल्व होगा। मतलब मुझे इसको यहाँ से यहाँ तक मान लेंगे कि ये इकट्ठे एक है, एक पूरा, क्योंकि इकट्ठा चलेगा एक साथ, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, टोटल फोर्स बाई टोटल मास, 7 × 2 = 7 टोटल मास 7 है, तो इसका एक्सेलरेशन 2 m/s² हो जाएगा। पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन हो गया कितना, 2, सब 2 से चलेगा आगे। अभी अगर पूछेगा ए पॉइंट पे टेंशन निकालिए, तो हम 2 किलोग्राम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, 2 kg। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ का जो रस्सी है वही खींच रहा है उसको, उस टेंशन को मैं TA लिखा, और इस पर कोई फोर्स है क्या, 2 kg पे नहीं है, तो न्यूटन लॉ लिख देंगे, तो टेंशन एट ए हो जाएगा इसका मास 2 किलोग्राम और सिस्टम का एक्सेलरेशन 2, यानी 4 न्यूटन का टेंशन है। टेंशन कितने का हो गया, 4। फिर अगर पूछेगा बी पॉइंट पे टेंशन बताइए, तो फ्री बॉडी डायग्राम तो बिल्कुल बनाएंगे, लेकिन इस बार किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है ध्यान से देखिएगा, इस बार हम बी के पीछे का इतने का सबका फ्री बॉडी डायग्राम एक साथ बना देंगे, बी के पीछे का, या खाली ए बी के बीच का रस्सी का भी बना सकते हैं, ओनली रोप का ए और बी के बीच, तो ए और बी के बीच रस्सी का बनाएं कि बी के पीछे पूरे का बना दें। तो बीच वाले पॉइंट बी को निकालने के लिए आप सिर्फ इतने रस्सी को भी ले सकते हैं, तो हम इतने रस्सी को सिर्फ कंसीडर किए, तो इस रस्सी पे आगे की तरफ टेंशन टी बी है और पीछे की तरफ अभी अभी 4 न्यूटन मैंने निकाला था वो है 4 न्यूटन, क्योंकि इस यहाँ पे टेंशन कितना था, 4, और इस खुद रस्सी का मास 1 किलोग्राम है, क्योंकि पूरा रस्सी 2 kg का था, तो आधा रस्सी 1 kg का होगा और बी तक तो आधा ही रस्सी आ रहा है ना बी तक, तो इक्वेशन बन जाएगा TB-4 नेट फोर्स, TB आगे पीछे 4 = मास 1 किलोग्राम, और इसका एक्सेलरेशन वही है जो कॉमन एक्सेलरेशन है सबका 2, तो इससे TB का वैल्यू आ गया, ये 4 इधर ऐड हो जाएगा जाके 6 न्यूटन, TB भी मिल गया। अब TC निकालने के लिए, TC निकालने के लिए किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, TC निकालने के लिए तो देखिए यहाँ से यहाँ का ब्लू कलर वाला, तो ब्लू कलर वाले पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम देखिए बनाते हैं इतने का, तो इस पे इधर की तरफ फोर्स TB, आगे की तरफ मुझे पता नहीं है तो क्या नाम दे दिए, TC, तो इसका इक्वेशन होगा TC-TB बराबर इसका मास 1 किलोग्राम और एक्सेलरेशन वही जो पूरे सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन, ओके। तो TC मुझे पता नहीं है, लेकिन TB तो ऑलरेडी निकाला हुआ है 6 और ये 2, तो 6 उधर 8 हो गया, तो TC का वैल्यू आ गया 8 न्यूटन। इस तरह से रस्सी के हर एक पॉइंट पे जो मासिव रोप था, हर एक पॉइंट का टेंशन मिल गया।